सेमेस्टर में टू में छोटा लाइक सभी में लेक्चर नंबर 9 मैं डिस्कस करेंगे हम प्रोलोंगिंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, तो प्रोलोंगिंग ए स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, फोरसाइट मेथड और बैकसाइट मेथड। ठीक है जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्टिकल एंगल्स और जो हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल्स हैं कैसे मेजर करें, क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रोलोंगिंग स्ट्रेट लाइन के लिए कौन से मेथड्स हैं यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देयर आर द टू मेथड्स फॉर प्रोलोंगिंग ए गिवन लाइन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ए प्रोलोंगिंग ए गिवन लाइन, प्रोलोंगिंग ऑफ ए गिवन लाइन ए बी। कोई ए बी लाइन मैंने यहां पे कह दी है, उसके लिए मेथड्स यूज किए हैं। कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं प्रोलोंगिंग स्ट्रेट लाइन के लिए? ठीक है, फोरसाइट मेथड एंड बैकसाइट मेथड। फर्स्ट वन क्या रहेगा हमारा? फोरसाइट मेथड, और सेकंड वन क्या रहेगा? बैकसाइट मेथड। तो दो मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं प्रोलोंगिंग स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फोरसाइट मेथड की। ठीक है जी, तो फोरसाइट मेथड क्या है और क्या प्रोसीजर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेप रहते हैं फोरसाइट मेथड में इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टेप वाइज समझेंगे हमारे फोरसाइट मेथड को और बैकसाइट मेथड को। ठीक है, तो सेट अप द थियोडोलाइट एंड ए एंड लेवल इट एक्यूरेटली। अगर मैं यहाँ पे लाइंस को लाइंस की बात करता हूँ तो इस तरह से मैं ये लाइंस एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट्स अलग अलग यहाँ पे शो करता हूँ। ए पॉइंट्स, ये हमारा क्या है? ए पॉइंट है, माने ये बी पॉइंट है हमारा, और सी डी अप टू जेड तक ये हमारे पॉइंट रहेंगे। ये हमारा क्या है? अप टू जेड पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रोलोंग स्ट्रेट लाइन के बारे में देखें तो क्या रहेगा? सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, सेटअप द थियोडोलाइट एट ए, थियोडोलाइट एट ए। तो ए पॉइंट पे मैंने क्या किया है, जो हमारे अगर स्ट्रेट लाइन को प्रोलोंग करना, तो हमने यहां पे ए पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, एक थियोडोलाइट को सेटअप किया। ठीक है जी, तो एंड लेवल किया इसको एक्यूरेटली, एंड लेवल इट एक्यूरेटली। ठीक है जी, और उसके बाद में जो हमारे रहेगा बाइसेक्ट द पॉइंट बी करेक्टली। उसके बाद क्या रहेगा? बाइसेक्ट द पॉइंट, बाइसेक्ट द पॉइंट बी एक्यूरेट करेक्टली। तो करेक्टली हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे जब हमने थियोडोलाइट सेटअप किया और लेवल किया है, उसके बाद बी पॉइंट को मैंने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, एंड अप्रोक्सीमेटली जो हमारे वैल्यू है, एस्टैब्लिश द ए पॉइंट सी, एस्टैब्लिश द पॉइंट, एस्टैब्लिश द पॉइंट सी इन द बियॉन्ड बी पॉइंट सी बियॉन्ड बी अप्रोक्सीमेटली बाय लुकिंग ओवर द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है जी, एंड जो हमारे एक्यूरेटली बाय साइटिंग थ्रू द टेलीस्कोप, एंड साइटिंग एक्यूरेटली थ्रू द टेलीस्कोप टेलीस्कोप।
ठीक है जी। तो क्या रहेगा, हमारे जो लाइंस हैं, लाइंस को कैसे हमने ड्री किया है, सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर रहेगा फोर साइट मेथड में, मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन को, इसमें एक पॉइंट पे मैंने क्या किया है थर्ड लाइन को सेटअप किया, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली क्या किया है लेवल किया, उसके बाद बी पॉइंट को मैंने क्या करता हूँ बाइसेक्ट करता हूँ, फिर सी पॉइंट को एस्टैब्लिश करता हूँ बियॉन्ड द बी, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्दर जो हमारे पॉइंट आते रहेंगे, ये जो रिपीटेशन है ये चलती रहेंगी हमारी, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं क्या करता हूँ टेलीस्कोप से एक्यूरेटली हम क्या करेंगे, सारी सारी जो ओवर द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप सारे सारे जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज हैं सी बियॉन्ड बी, तो इनको हम क्या कर सकते हैं साइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू बी, अगर मैं यहां से मैंने सी बी पॉइंट को बाइसेक्ट किया, सी पॉइंट को एस्टैब्लिश किया, ठीक है, तो इससे मैंने क्या कर दिया वैल्यूज को साइड कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे जो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो शिफ्ट कर देता हूँ बी पॉइंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूं, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट, शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट एट टू बी, टेक अ फोर साइट टू बी एंड टेक ए फोर साइट, टेक ए फोर साइट ऑफ सी एंड एस्टेब्लिश ए पॉइंट डी। अगर मैं फोर साइड यहां से किसकी लूंगा, अगर मैं बी पॉइंट पे शिफ्ट कर देता हूं हमारे इंस्ट्रूमेंट को, तो फोर साइड किस पे आएगी सी पे, ठीक है। तो सी पे कौन सी आएगी, फोर साइड आ गई ऑन सी, एंड उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा हमारा डी पॉइंट आएगा स्ट्रेट लाइन में, तो इस डी पॉइंट पे डी पॉइंट को मैं एस्टेब्लिश कर सकता हूं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या कर देता हूं यहां पे डी पॉइंट को एस्टेब्लिश कर देता हूं, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश ए पॉइंट पॉइंट डी, ठीक है जी, और इन द बियॉन्ड सी, ठीक है। इस तरह से हम आगे आगे जो हमारे पॉइंट्स आते जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, प्रोलॉन्गिंग लाइन बाय फोर साइड मेथड, इस तरह से हम क्या सारी सारी जो फोर साइड हैं वो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं टेलीस्कोप हमारे थर्ड लाइट सर्वे की हेल्प से उसकी जो साइटिंग है वो एक्यूरेटली और कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद तो रिपीट द प्रोसेस अंटिल द लास्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिश, तो जब तक हमारा लास्ट पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं हो सकता तो तब तक हम क्या करेंगे इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है जी। रिपीट द प्रोसेस until, repeat the process until the last point Z is established। तो इस तरह से हम सारे सारे जो फोर साइड हैं हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर दिस मेथड द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी परफेक्ट एडजस्टमेंट, अगर हमने इस तरह का जो मेथड है स्ट्रेट लाइन प्रोलॉन्गिंग के लिए हम यूज करते हैं फोर साइड मेथड को, तो इसके लिए हमारे जो एडजस्टमेंट है थर्ड लाइट की वो एक्यूरेटली होनी चाहिए, इसकी जो लेवलिंग है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो एडजस्टमेंट है बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए जब हम इस तरह का जो सर्वेइंग है प्रोलॉन्गिंग स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, मेथड यूज कर रहे हैं फोर साइड मेथड, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे बैक साइड मेथड की, जो हम यूज करते हैं हमारे पॉइंट को मेजर करने के लिए प्रोलॉन्गिंग स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करते हैं हम नेक्स्ट वन जो मेथड है बैक साइड मेथड। तो बैक साइड मेथड को कैसे यूज किया जाए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड वन मेथड कौन सा रहेगा प्रोलॉन्गिंग स्ट्रेट लाइन, देयर आर द टू मेथड्स ऑफ ए प्रोलॉन्गिंग लाइन गिवन लाइन ए बी, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैक साइड मेथड। तो बैक साइड मेथड की हेल्प से हम कैसे
हमारी जो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हम क्या करते हैं, सेट अप द इंस्ट्रूमेंट एट बी, ठीक है। तो हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, बी पॉइंट पे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा इसमें हम थियोडोलाइट को ए पॉइंट पे नहीं बी पॉइंट पे क्या करेंगे, सेटअप करेंगे इस स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये बी एंड जी पॉइंट सारे शो किए हुए हैं, तो बी बैक साइड मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो थियोडोलाइट है उसको सेटअप करना है पॉइंट बी पे और लेवल करना है इसको एक्यूरेटली, ठीक है। उसके बाद क्या, टेक अ बैक साइड ऑन ए, तो सेकंड स्मॉल स्टेप क्या रहेगा, टेक ए बैक साइड ऑन ए। तो ए ए जो बी से अगर हमने यहां पे जो थियोडोलाइट सेटअप किया है तो ए पॉइंट भी हमारी क्या आएगी, बैक साइड हम मेजर कर सकते हैं। तो साइडिंग करेंगे ए पे तो हम बैक साइड यहां से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद बैक साइड का जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, बैक साइड मेथड में हम क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है जी। तो टाइटन द अपर एंड लोअर क्लैंप, टाइटन द अपर एंड लोअर क्लैंप, इससे होगा क्या, लोअर क्लैंप ट्रांजिट द टेलीस्कोप, ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टैब्लिश पॉइंट सी इन द लाइन बियॉन्ड बी एंड एस्टैब्लिश पॉइंट सी बियॉन्ड द पॉइंट बी, ठीक है जी, इन द लाइन बियॉन्ड बी, ठीक है। तो बी के बाद हमने क्या किया है, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सी को एस्टैब्लिश कर लेंगे। कैसे करेंगे, जब हमारा जो अपर एंड लोअर क्लैंप है थियोडोलाइट का उसको हम लूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, सॉरी टाइट करेंगे, उसके बाद जो टेलीस्कोप है उसको ट्रांजिट करवा सकते हैं। तो ट्रांजिट करवाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो इससे जो हमारा एस्टैब्लिश होगा तो फिर हमने क्या करना है, सी पॉइंट पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो बैक साइड मेथड में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, इसके बाद जब हमने सी पॉइंट को एस्टैब्लिश कर लिया तो इसके बाद हमारा जो स्टेप रहेगा तो हम बैक साइड मेथड यूज करते हुए क्या करेंगे, सी पॉइंट पे हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्या रहेगा, जो हमारा सी पॉइंट है इसको एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। तो एस्टैब्लिश करने के बाद शिफ्ट कर देंगे थियोडोलाइट को सी पे, शिफ्ट द थियोडोलाइट एट पॉइंट सी टू सी एंड साइड एंड बैक साइड एंड टेक बैक साइड ऑन बी, बैक साइड ऑन बी। तो बी पॉइंट पे हमने बैक साइड ली, जब हमने क्या किया है सी पॉइंट पे हमारे थियोडोलाइट को सेटअप किया, ठीक है। तो ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टैब्लिश ए पॉइंट डी, उसी तरह से फिर हम जो हमारा फर्दर जो स्टेप्स प्रोसीजर रहेगा वो क्या है, फिर हमने ट्रांजिट करना है हमारे थियोडोलाइट को टेलीस्कोप को, उसके बाद फिर हमने एस्टैब्लिश कर लिया कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। एंड ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टैब्लिश द पॉइंट डी, इस तरह से पॉइंट डी को हमने क्या कर लिया है, एस्टैब्लिश कर लिया इन द लाइन बियॉन्ड सी, इन द लाइन बियॉन्ड सी, ठीक है जी। उसके बाद यही जो प्रोसेस है वो रिपीट करेगा, रिपीट द प्रोसेस रिपीट द
प्रोसेस अंटिल द लास्ट पॉइंट जेड इज एस्टैब्लिश्ड अंटिल द लास्ट पॉइंट जेड इज एस्टैब्लिश्ड जब तक हमारा लास्ट पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं ये इस प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं। इस तरह से हम सारी की सारी जो बैक साइड्स की रीडिंग्स हैं वो हम साइड कर सकते हैं निकाल सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं यहां से। तो इस तरह से इस दिस मेथड आल्सो रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट टू बी परफेक्ट एडजस्टमेंट ठीक है। तो अगर हम बैक साइड मेथड हम यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसके लिए भी हमारा फुट लाइट की एडजस्टमेंट है वो एक परफेक्ट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर हम एक्यूरेटली और सफिशिएंटली अगर हम क्या करना चाहते हैं हमारे फुट लाइट्स की जो बैक साइड्स जो एक लाइंस के लिए स्ट्रेट लाइन की जो बैक साइड्स हैं करेक्टली अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो ठीक है जी। तो इसलिए हमारा जो बैक साइड मेथड और फोर साइड मेथड है वेरी सिंपल मेथड है फॉर द प्रोलोंगिंग ए स्ट्रेट लाइन। When the line is to be prolonged with high precision or when the instrument is in imperfect adjustment, the process of double sighting or double reversing is used. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस method की तो अगर हमारी जो line जो है prolonged है जब with high precision से अगर हम उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है अगर इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट हो जाती है जहाँ हाई प्रोलॉन्ग लाइंस हैं जहाँ हाई प्रोसीजंस की लाइन है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं डबल साइटिंग करेंगे ठीक है। जहाँ हम रिवर्स जो हमारी डबल रिवर्सिंग होगी तो डबल साइटिंग हम वहां पे यूज करेंगे ताकि जो एक्यूरेटली हम जो स्ट्रेट लाइंस की प्रोलॉन्गिंग जो है वो हम जो बैक साइड्स वैल्यू है या फोर साइड्स वैल्यूज है वो हम एग्जैक्टली फाइंड कर सके ठीक है जी। तो अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट की इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट रहती है जहाँ हाई प्रोसीजन चाहिए जहाँ हमारी जो व्हेन द लाइन ऑफ द इज प्रोलॉन्ग्ड विद हाई प्रोसीजन देन वी यूज द डबल रिवर्सिंग और डबल साइटिंग ठीक है जी। तो सपोज ए लाइन ए बी प्रोलॉन्ग टू द पॉइंट जेड तो उसके लिए हमारे पास हम डबल साइटिंग और डबल जो हमारी रिवर्सिंग है वो करेंगे जब हमारे पास क्या है इस तरह की जो मेथड्स हैं हम यूज करते हैं ठीक है। एक्यूरेटली अगर हमारे पास ये वैल्यूज नहीं आती हैं जब हमारी हाई प्रोसीजंस की व्हेन द प्रोलॉन्गिंग लाइंस रहती हैं और इंस्ट्रूमेंट की जो एडजस्टमेंट है इम्परफेक्ट रहती है ठीक है। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं तो थ्रोटलाइट की जो पॉइंट्स हैं उसको प्रोसीजर रहेगा अगर हम डबल रिवर्सिंग या डबल जो साइटिंग है करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोसीजर रहेंगे ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्रोलॉन्गिंग इन स्ट्रेट लाइन ठीक है। उसके बाद में बात करूं लेवलिंग विद ए थ्रोट लाइट तो लेवलिंग अगर हम करना चाहते हैं विद ए थ्रोट लाइट द प्रोसेस इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेवलिंग एक्सेप्ट द मोशन ऑफ द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लान इज स्टॉप्ड बाय क्लैंपिंग इट सच दैट द वर्टिकल सर्कल वर्नियर्स ठीक है जी। तो ये सिमिलरली प्रोसेस रहता है अगर हम लेवलिंग थ्रोट लाइट की जो लेवलिंग करते हैं ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं लेवलिंग किस तरह से की जाती है सेंटरिंग किस तरह से की जाती है फोकसिंग कैसे की जाती है जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स जो हैं इसमें स्टेप जो इन्वॉल्व रहते हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं ठीक है जी लास्ट लेक्चर्स में। तो ये था हमारा प्रोलॉन्गिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारे जो के लिए हमारे पास दो मेथड यूज किए जाते हैं फोर साइड मेथड एंड बैक साइड मेथड। तो फोर साइड मेथड में हमने रीडिंग्स जो है सबसे पहले हम सेटअप करते हैं हमारी थ्रोट लाइट को पॉइंट ए पे और हम रीड करते हैं साइड करते हैं पॉइंट बी को ठीक है जी। तो बी जब हम साइड करते हैं उसके बाद हम एक सी जो हमारा पॉइंट फर्दर जो पॉइंट रहेगा उसको सेटअप एस्टैब्लिश करते हैं। जब हमने सी पॉइंट एस्टैब्लिश कर लिया तो हम क्या करेंगे बी पॉइंट पे जो हमारा थ्रोट लाइट है उसको शिफ्ट कर लेंगे तो फिर हम साइड करेंगे सी पॉइंट को ठीक है। तो सी पॉइंट को साइड करें तो यहां से फोर साइड निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये प्रोसेस क्या करता जाएगा जब तक हमारा जो पॉइंट है जेड एस्टैब्लिश नहीं हो जाता ठीक है। उसी तरह से बैक साइड की बात करता हूं तो बैक साइड में भी हम क्या करेंगे थ्रोट लाइट जो है हमारा जो कहां पे सेटअप किया जाएगा बी पॉइंट पे। सबसे पहले हम जो सेटअप करेंगे थ्रोट लाइट को बी पॉइंट पे सेटअप करेंगे और साइड करेंगे ए पॉइंट को। तो हमने क्या करना है जहां से बैक साइड को लेना है तो बैक साइड हमने यहां से ऑब्जर्व करनी है
फ्रॉम द सेटअप ऑफ द ट्यूबलाइट एट पॉइंट बी, ठीक है। उसी तरह से फिर मैंने क्या किया है, ट्रांजिट करना है हमारे ट्यूबलाइट को, ट्रांजिट करते हुए कैसे करना है, जब हम अपर एंड लोअर क्लैंप है उनको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे और ट्रांजिट करेंगे टेलीस्कोप को और हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं सी पॉइंट को। तो जब सी पॉइंट यहां पे एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी पॉइंट की बैक साइड ले सकते हैं। तो बी साइड जहां से हम क्या करेंगे, बी साइड बी सी पॉइंट से बी की साइटिंग करेंगे, यहां से बैक साइड हमारे फाइंड हो जाएगी। तो इसी तरह से हम जब तक हमारा जो जेड पॉइंट है ये एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस जो है रिपीटेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रोलॉन्गिंग ए स्ट्रेट लाइन, फोर साइड मेथड एंड बैक साइड मेथड।